हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था जो भी सेमीकंडक्टर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो देख लिए थे। और बच्चों, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना है ताकि आपको जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा, डायोड पे जो भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिपल्शन लेयर है, अगर हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ जोड़ देंगे तो यहाँ पे जंक्शन बन जाएगा। देखो ये पी टाइप है और यहाँ पे क्या है, एन टाइप है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो यहाँ पे अपने ये जो जंक्शन बनेगा, जो भी हमारे यहाँ पर डिपल्शन लेयर होगी, इसमें क्या होगा, देखो पी में क्या होते हैं, पी में क्या होता है बेटा, होल और नेगेटिव आयंस होते हैं, और एन में पॉजिटिव आयंस तथा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव, देखो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आयंस तथा होल्स, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आयंस तथा इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बच जाएंगे, डिपल्शन लेयर में ओनली आयन बच जाएंगे। तो देखो डिपल्शन लेयर में कौन कौन से आयन होंगे, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, इनको मिक्स कर दिया। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, पी साइड में कौन से आयन होंगे, पी में क्या होते हैं, होल मेजोरिटी कैरियर होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल के साथ क्या जुड़ा होगा, नेगेटिव आयंस, तो पी में क्या होगा, नेगेटिव आयंस होंगे। और एन की तरफ कौन से होंगे, यहाँ पे डिपल्शन लेयर में पॉजिटिव आयंस होंगे। तो डिपल्शन लेयर में ओनली क्या होते हैं बेटा, बाउंडेड आयन होते हैं, यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना होल होंगे। एन टाइप में कौन से होंगे, पॉजिटिव आयंस, और पी टाइप में नेगेटिव आयंस, क्योंकि यहाँ पर ट्राइवेलेंट होते हैं। ट्राइवेलेंट क्या होता है, ट्राइवेलेंट अशुद्धि क्या होती है, एक्सेप्टर होती है, एक इलेक्ट्रॉन लेती है। और एन में कौन सा होता है, पेंटावेलेंट, मतलब डोनर, एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस पर कौन सा आयन आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और जो लेगा उस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होल दोनों ही नहीं, अवश्य प्रत में दोनों ही नहीं होते, क्या होते हैं, बाउंडेड आयन होते हैं, पी साइड में पॉजिटिव और एन साइड में नेगेटिव आयन्स होते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये पूछ रहा है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस का अनुपात आपको याद करना है 1:10⁴। फॉरवर्ड बायस में लगभग 1 ओम के समथिंग होगा या 0 होगा, और बहुत ही कम होगा, फॉरवर्ड बायस में 0 होगा, लगभग 10⁴ इनका रेशियो होगा। ये अनुपात है बेटा, ये 1 ओम वैल्यू नहीं है ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, पीएन संधि पर अगर बायस स्थापित करने पर इसका व्यवहार होगा। देखो फॉरवर्ड बायस में तो क्या होगा, अगर पी पे हम पॉजिटिव और एन पे नेगेटिव लगाएंगे, पी और एन, पी पे पॉजिटिव लगाएंगे और एन पे नेगेटिव लगाएंगे, तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। बट किससे ज़्यादा होना चाहिए, इसका जो डायोड का कट इन वोल्टेज से ज़्यादा अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो किसकी तरफ बात ही करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरफ बात ही करेगा। अगर हम एन पे पॉजिटिव तथा पी पे नेगेटिव लगाएंगे तो क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे तो फॉरवर्ड बायस होगा, शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। अगर हम ये पी हो गया, ये एन टर्मिनल हो गया, अगर पी और एन, हम यदि एन पे पॉजिटिव तथा पी पे नेगेटिव लगाएंगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा, किसकी तरफ व्यवहार करेगा, ओपन सर्किट, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे एक कंडक्टर की तरह काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में चालक की तरह व्यवहार करेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं दिष्टकारी का कार्य है डायोड का। देखो प्रत्यावर्ती धारा को मतलब बेसिकली फंक्शन क्या है बेटा, अगर दो डायोड लगा देंगे तो हम प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में बदल देगा। मतलब ये क्या है बेटा, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। मतलब ये किसी भी रिवर्स प्रोटेक्शन के काम में आता है, किसी भी करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देगा। रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल डिवाइस भी बोलते हैं, एक ही दिशा में करंट फ्लो होगा इसमें। इसके बाद देखो नीचे, हाँ ये रहा, पीएन संधि को अगर बायस करके इसमें वोल्टा का मान 0.03 वोल्ट तक बढ़ाने पर परिपथ में कोई धारा नहीं बहती, क्योंकि संधि तल पर अवरोधी विभव है, कि बेटा 0.03 से अधिक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमने लगाया, यहाँ पे 0.03 वोल्ट लगाया, 0.7 के समथिंग होता है सिलिकॉन का, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिपल्शन लेयर बनेगी, तो डिपल्शन लेयर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो यहाँ पे कुछ वोल्टेज होता है, अगर इससे जो डायोड का कट इन वोल्टेज है, अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज होगा अप्लाई, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, अन्यथा कोई करंट फ्लो नहीं होगा, रिवर्स बायस होगा। जब भी बेटा डायोड का कट इन वोल्टेज उससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी हमारा डायोड क्या हुआ, काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा।
क्या होना चाहिए अगर बायस करने के लिए? डायोड का कट इन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पी एन संधि को अगर बायस करने पर पी से होल तथा एन बक्सा। देखो अगर फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या होगा, देखो एक बार देख लेते हैं अपन। ये अपना डायोड है, ये पी साइड हो गया, ये एन साइड हो गया, पी में क्या होंगे होल्स होंगे और नेगेटिव आयंस होंगे, और एन में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिटिव आयंस होंगे। अब यहाँ पे हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, पी पे एन पे नेगेटिव लगा दिया, तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव आयंस होल्स को रिपेल करेगा, तो होल किसकी तरफ जाएंगे, संधि की तरफ, जो भी डिपल्शन एयर है उसकी तरफ, और यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया एन पे, तो इलेक्ट्रॉन डिपल्शन एयर की तरफ जाएंगे, तो पी से होल जाएंगे और एन से इलेक्ट्रॉन। इसमें गलत है आंसर, पी बॉक्स के जाते हैं होल, संधि की ओर जाएंगे डिपल्शन एयर की तरफ, बी आएगा इसमें। नेक्स्ट, जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है वोल्टेज नियंत्रण के रूप में। बेटा क्या होता है, जो जीनर डायोड होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए अगर हम वो किसी भी उपकरण के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज रखना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो उसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, इसलिए वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एन डायोड है नॉन लीनियर है क्योंकि फॉरवर्ड में तो बिल्कुल करंट फ्लो होगा और रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगा। इसके बाद